शहर के जाने माने रईस हीरा चंद और उनकी पत्नी सुजाता की चमचमाती महंगी कार बंगाल की एक पुरानी बस्ती की सुनसान गली में एक बेरौनक से पुराने मकान के बाहर आकर रुकती है। सुजाता, ये तुम मुझे किस जगह लेकर आई हो? ये तो कोई गरीबों की बस्ती लगती है, यहाँ ऐसा क्या है? हीराचंद की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजाता उसे ऐसी अजीब सी जगह क्यों लाई है जिस मकान में दिन में भी अंधेरा दिख रहा था और धुआं उठ रहा था। आप मेरे साथ अंदर चलिए, सब समझ जाएंगे, यहाँ हमारी हर समस्या का समाधान मिलेगा। सुजाता और हीराचंद आशंकित कदमों से उस मकान में दाखिल होते हैं, तभी उन्हें किसी महिला की भारी आवाज सुनाई पड़ती है। चले आओ, चले आओ। हीराचंद ने देखा कि उस मकान के अंदर अंधेरा था। अचानक हीराचंद की निगाह एक कमरे की ओर पड़ी जिसके अंदर हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी और उस कमरे के अंदर से धुआं उठ रहा था। शायद उस कमरे के अंदर आग जल रही थी। है? ये किसकी आवाज है? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और ये धुआं कैसे उठ रहा है? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। सुजाता और हीराचंद धीरे धीरे कदमों से उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर वाले कमरे में बिखरे बाल वाली एक खूबसूरत सी बूढ़ी औरत सामने जल रही आग में एक मुर्गी की गर्दन काट कर उसका खून गिरा रही थी और मुर्गी का शरीर छटपटा रहा था। ये देखकर सुजाता को उबकाई आने लगी। हीराचंद ने सुजाता की ओर देखकर कहा, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आई हो और खुद ही घबरा रही हो? कौन है ये भयानक सी शक्ल वाली औरत और हम यहाँ क्यों आए हैं? अचानक उस औरत ने एक झटके में मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ये देखकर सुजाता के मुंह से चीख निकल गई और सेठ हीराचंद भी सहम गया। वो बहुत डरावना नजारा था। ये अघोरा ताई हैं। ये हमें अपनी काली तंत्र विद्या से संतान सुख प्रदान कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। कैसी बात करती हो? जहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर सफल नहीं हुए, वहाँ ये मामूली औरत क्या कर लेगी? हीराचंद की बात सुनकर अघोरी ताई ने गुस्से से हीराचंद की ओर देखकर कहा, नादान हीराचंद, काली विद्या में इतनी शक्ति है कि मरे को भी जिंदा कर दे, संतान पैदा कराना कौन सा मुश्किल है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम सच में हमें संतान सुख दिला सकती हो? तुम जितनी दौलत मांगोगी मिल जाएगी, अगर ये संभव है तो। संतान का नाम सुनते ही हीराचंद की आंखों में चमक आ गई। वह संतान के लिए कुछ भी कर सकता था। तुम लोगों को मुझे एक नवजात शिशु लाकर देना होगा। मैं उस शिशु की बलि चढ़ा दूंगी और फिर वही शिशु तुम्हारे घर में फिर से जन्म लेगा। नवजात शिशु की बलि का नाम सुनते ही सुजाता और हरिचंद डर के मारे सिहर गए, पर उनकी आंखों में उनकी संतान का सपना ज्यादा बड़ा था। वह सब करने को तैयार थे। अघोरा ताई, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस हमें संतान सुख दिला दो। बिना वारिस के हमारी दौलत किस काम की? संतान सुख के लिए अंधे हो चुके सुजाता और हरिचंद अपनी नौकरानी शीला से एक नवजात बच्ची चोरी करवा के अघोरी ताई को दे देते हैं। उस शिशु की बलि से सुजाता गर्भवती हो जाती है। देखा आपने, अघोरा की तंत्र शक्ति, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। चलो चलकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। हीराचंद और सुजाता अघोरा ताई के पास पहुंचते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और अघोरा पर उन्हें अंधविश्वास हो गया था। अघोरा ताई, आप महान तंत्रिका है, आपने वो चमत्कार कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके। ये काली विद्या है बेटा, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं इस विद्या से तुम दोनों को हमेशा के लिए जवान बना सकती हूँ। क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, पर इसके लिए तुम्हें जवान लड़के और लड़कियों की बलि चढ़ानी होगी। तुम उन्हें यहाँ तक लाओ, बाकी मैं देख लूंगी। जवान रहने की लालच में अंधे सुजाता और हरिचंद एक अनाथ आश्रमों से हर रोज एक लड़की या लड़के को गोद लेने के बहाने अघोरी के पास बलि चढ़ाने ले जाने लगे। और एक दिन अघोरी ताई ने हीराचंद और सुजाता से इंसानी मांस खाने को कहा। पूरी तरह से इंसान से हैवान बन चुके अब वो दोनों इंसानी मांस खाने के लिए तैयार भी हो गए। ये गर्म खून और मांस खाकर तुम लोगों की उम्र भी बढ़ जाएगी, खाओ इसे। हाँ सच में ये इंसानी मांस बड़ा स्वादिष्ट है। अघोरा ने अपनी बातों में फंसाकर
सुजाता और हरिचंद को नरभक्षी बना दिया था। वो तीनों हर दिन बलि चढ़ाकर खून पीकर मांस खाने लगे। नौकरानी शीला भी नए शिकार लाने में उनकी मदद करती थी, मगर एक दिन शीला को शिकार नहीं मिला। मेम साहब, आज एक भी शिकार हाथ नहीं लगा और मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं शीला, एक छोटा सा काम है, तुम हमारे साथ चलो, लौटते में हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। जी मेम साहब। शीला नहीं जानती थी कि शिकार नहीं मिलने से सुजाता और हरिचंद अंदर से बौखला गए थे और उनके दिमाग में एक शैतानी चाल चल रही थी। सुजाता, ये बेहोशी की दवा है, शीला के कार में बैठते ही तुम उसे सुंघा देना, आज हमें इसी की बलि देनी होगी। इसने हमारे यहाँ का बहुत खाना खाया, अब हम लोग इसे खाएंगे, वैसे भी ये आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकती थी। कार में बैठते ही सुजाता शीला को बेहोश कर देती है और वो लोग सीधे अघोरी ताई के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ अघोरी ताई शीला की बलि चढ़ा देती है और तीनों मिलकर उसे नोच कर खाते हैं। अघोरी ताई, हमको बलि चढ़ाते हुए पूरा एक साल हो गया है, हमारा बेटा भी साल भर का हो चुका है, अब और कितनी बलि देनी होगी? बस एक आखिरी क्रिया और बची है, उसके बाद तुम दोनों हमेशा के लिए जवान हो जाओगे। कैसी क्रिया अघोरा ताई? 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण है, हमें पास के घने जंगल में एक विशेष क्रिया करनी होगी, उसके बाद तुम लोग कभी बूढ़े नहीं होगे। कितना अच्छा होगा, हम हमेशा जवान रहेंगे और सालों साल तक अपनी दौलत से ऐश करेंगे। हाँ, सच कहा, अघोरा ताई ने हमारे हर सपने पूरे कर दिए। 3 दिन बाद बंगाल के बियाबान जंगल में कोहरे और ओस से भीगे पेड़ों के बीच एक घने बरगद की बेलों पर कटे इंसानी सिर लटक रहे थे, जिसमें से खून टपक रहा था। काले जादू का सामान भी रखा था। कितनी भयानक जगह है ये, हर तरफ कटे हुए सर लटक रहे हैं। थोड़ी देर में सब समझ जाओगे, बैठ जाओ और मेरे साथ ये मंत्र दोहराओ। ओ, 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 अघोरा, ये किन लोगों की कटी हुई गर्दने हैं? आप यहाँ क्या करने वाली हो? हीराचंद की बात सुनकर अघोरा जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए हीराचंद की ओर देखकर कहा, तुम जैसे ही लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों की बलि चढ़वाई है और फायदा उठाया है, अब तुम दोनों आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ मंत्रों को दोहराते जाओ। अघोरा ने सुजाता और हरिचंद को वशीकरण मंत्र और काले जादू के इस्तेमाल से सम्मोहित कर दिया और देखते ही देखते वो एक भयानक डायन में बदल गई और चीखती हुई बोली, अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने 100 लोगों की बलि का खून पिया है। देखते ही देखते उस डायन ने फरसे से एक एक करके सुजाता और हरिचंद की गर्दन काटकर जल रही आग में बलि चढ़ा दी और उनका गर्म खून पीने लगी। जब तक तुम जैसे मूर्ख और लालची लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मेरे पास लाते रहेंगे, मैं उनका फायदा उठाकर ऐसे ही उनकी बलि चढ़ाती रहूंगी। दरअसल अघोरा एक डायन थी और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसने हीराचंद और सुजाता की लालच का फायदा उठाकर उनकी भी बलि चढ़ा दी। बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।